हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे उम्मीद करती हूँ मैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, तो जो मेरा मॉर्निंग से इवनिंग का रूटीन है उसका मैं थोड़ा बहुत पार्ट शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग से बहुत सारा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे बहुत सारा रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ मैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं थोड़ी देर से उठी हूँ। आर्नो को टॉयलेट आई थी तो इसलिए वो पहले उठ गया। और इसके पापा कल शाम को 7 बजे से ही सो रहे थे तो वो सुबह सुबह उठ गए और मोबाइल में बिजी हैं। तो मतलब सब लोग उठ गए, मुझे थोड़ा सा देर हो गया था क्योंकि कल रात को मेरे सर में दर्द था तो मैं थोड़ा देर से सोई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं थोड़ा सा ठंडा तेल सर पे रखी ना तो फिर मुझे नींद आई, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी सुबह उठने के तुरंत बाद किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं कल रात को ना सारे बर्तन धो के ऐसे ही पटनी पे रख दी थी सूखने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम रेंट के रूम पे रहते हैं तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे रखने के लिए डायरेक्ट मतलब कुछ बर्तन सूख जाते हैं, बर्तन के लिए वो बड़ा सा बना रहता है कुछ उसमें रखते हैं, तो वैसा कुछ हमारे पास है नहीं। तो मैं पटनी पे ही मतलब ऐसे पलटी करके बर्तन को रख दी थी और वो सारे बर्तन अभी सुबह का टाइम है तो सुबह तक सूख गए हैं। तो मैं उस उठा के उसको यही इधर उधर लगा रही हूँ, मतलब जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह मुझे दिख रही है वहाँ पे रख दे रही हूँ। और ये सब करने के बाद मैं अभी जा रही हूँ भाजी काटने, तो मैं वही फ्रिज में आई थी सब सामान लेने। और ये थोड़ा सा दूध मैं फ्रिज में रखी थी जिसका मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय और नाश्ते के साथ, क्योंकि ठंडी में तो चाय को हम बहुत मिस करते हैं। मतलब जितनी बार हमको चाय मिले ना कम है। तो वैसे तो हमारे इधर मतलब इधर मुंबई में ठंडी कम पड़ती है लेकिन इस साल थोड़ी पड़ रही है। तो मैं इधर भी कई बार चाय बनाती हूँ तो पति हमारे बोल रहे थे कि क्या बात है, आजकल तुम दिन भर चाय बनाती हो। मैं बोली कि नहीं यार, ठंड थोड़ा ज़्यादा है और सबको खांसी वासी भी आ रहा है, क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी तो हम लोग गांव गए थे ना, तो फिर वहाँ पे ठंडी बहुत है तो इसकी वजह से ना अभी तक खांसी आ रही गई नहीं। सिरप भी पी रहे हैं हम लोग, चाय भी पी रहे हैं अदरक वाली, तो थोड़ा आराम है लेकिन वही है, खांसी एक बार चालू हो जाती है तो धीरे धीरे आती ही रहती है वो महीनों तक, तो वैसा ही चल रहा है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपसे बातें करते करते हमारी चाय पक चुकी है। और अभी मैं मतलब थोड़ा सा राइस है मतलब रात का बचा हुआ था तो फेंकने से अच्छा हम उसको फ्राई कर दें, तो मैं वही फ्राई करने जा रही हूँ। और थोड़ा सा मटर वटर डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी तो फिर हम लोग चाय के साथ उसको खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी किचन में आ गई हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमारा नाश्ता वास्ता हो गया है। तो नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा आधे घंटे मतलब आराम की हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि नाश्ता का जो थोड़ा बर्तन हुआ था उसको क्लीन कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद हमको दाल चावल भी रखना है और उसके बाद थोड़ी सी रोटी भाजी भी बनाना है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो टिफ़िन में रोटी भाजी ही ले दूँगी मैं ले जाने के लिए, तो वही बनाना है। लेकिन मैं अभी बर्तन धो रही थी तब तक रचित और उसके पापा का लड़ाई हो गया है। पापा को मत मारता बेटा, मैं मारूं। अरे पापा है,
फैमिली, और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग यही बाहर आए हैं। थोड़ा सा मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा था तो मैं इनसे बोली, तो ये बोले कि ठीक है चलो। तो वही हम लोग आए हैं, और हमारे साथ बच्चे नहीं हैं क्योंकि हम बच्चे लोग को लेके ही नहीं आए। पति हमारे बोले कि बच्चों को नहीं लाते हैं क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब है, खांसी वाँसी आ रहा है, और बाहर की हम ऑयली चीज़ें खिलाएंगे तो उनकी खांसी और बढ़ जाएगी, तो इसलिए नहीं लाए। तो हम लोग यही खा रहे हैं और बच्चे हमारे घर पे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग घर पे आ गए हैं, और घर पे आने के बाद यही मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मैं बना रही हूँ अभी गेहूँ क्योंकि हमारा आटा ख़त्म होने वाला है और मुझे आटा पिसवाना है। तो गेहूँ तो हम डीमार्ट से लाते हैं, तो गेहूँ हमारा पूरा क्लीन है, मतलब हमें कुछ भी मिला ही नहीं, मैं जितना भी बनाई हूँ। लेकिन फिर भी मन में एक शंका होती है ना कि मतलब कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं है, तो इसके लिए मैं देख देख के रख रही हूँ थोड़ा सा फटकार के, पर गेहूँ एकदम क्लीन है। और फ्रेंड्स इसके बाद हमें मतलब न्यू घर में जाना है ना, संडे को हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं सोची कि थोड़ा सा पिसवा के रख लेती हूँ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आटा चक्की कहाँ है ये हमें पता नहीं है, और मतलब वहाँ पे थोड़ा सा जानने समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा हमको, तो इसके लिए मैं सोची कि थोड़ा एक्स्ट्रा गेहूँ पिसा लेती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, और फिर अभी मेरा फटाफट बना के हो गया है गेहूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने। तो प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और बिना लाइक किए हमारे वीडियो से जाइएगा नहीं। हाँ, और आपको पता है मैं ना गर्म पानी रखी हूँ, अभी हमारे इधर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी बताई थी ना आपको कि पड़ रही है, तो मेरा हस्बैंड नहाएंगे गर्म पानी से, अभी शाम का टाइम है, वो फर्स्ट शिफ्ट करके आए हैं ना, तो अभी 4 बजे आए हैं, तो फिर वो नहाए नहीं बोल रहे, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, और मैं थोड़ा आराम करूँगा फिर उसके बाद नहाऊँगा। तो फिर तो बाहर चले गए थे हम लोग, फिर उधर से आए हैं तो ये बोले मेरे लिए पानी रख दे, तो मैं वो पानी रखी थी गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो जो बाल्टी में रखते ना गीजर, वो था लेकिन ख़राब हो गया।